हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टटेक कैंपस चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, जो ऑप्शन है एमएस वर्ड का, और ये वीडियो है डीसीए प्लेलिस्ट के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में इस टॉपिक के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी क्लास में मैं आपको बहुत सारा पॉइंट्स बताऊँगा इस टॉपिक के ऊपर, जो कि आज का टॉपिक है बिब्लियोग्राफी। तो हम लोग जानेंगे कि बिब्लियोग्राफी क्या है और कैसे उसको प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करें। तो उन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे कि बिब्लियोग्राफी होता क्या है और सिटेशन और बिब्लियोग्राफी के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, सिटेशन और बिब्लियोग्राफी को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए एमएस वर्ड में, और इसके डिफरेंट ऑप्शंस जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिकल डेमो क्लास करके भी आपको बता दूंगा। तो पूरी वीडियो देखिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिटेशन और बिब्लियोग्राफी होता क्या है। पहले मैं आपको उसके सारे ऑप्शंस बता दूँ कि यहाँ पे देखो, इंसर्ट सिटेशन का ऑप्शन है, मैनेज सोर्सेज स्टाइल बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन है। आपको मैं बता दूं, ये सारे जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सब क्या हैं, वी यूज दीज ऑप्शंस टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेस एंड रेफरेंसेस, आइदर बुक, आर्टिकल और एनीथिंग फॉर मेकिंग द डॉक्यूमेंट। होता क्या है कि जब कोई आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ों का रेफरेंस लेना पड़ता है। जैसे आप कोई बुक रेफरेंस के रूप में देखते हैं, कहीं से आप आर्टिकल लेते हैं, किसी वेबसाइट से आप कोई पोस्ट या कोई चीज़ कैरी करते हैं, तो उन सारे चीज़ों का आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। एक्चुअली डॉक्यूमेंट इन हिस्ट्री इन फ्यूचर जब आप उसको यूज़ करेंगे, आप जानना चाहते हैं कि ये चीज़ अगर आपने उस डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है तो वो किस आधार पे लिखा है, किस बेस पे लिखा है, उसका रेफरेंस क्या है, उसका सोर्स क्या है, तो उन सारी चीज़ों को जो जो चीज़ जो बुक जो आर्टिकल मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने सोर्सेज में, तो वो सारे ऑप्शंस वहाँ पे आपको दिए गए रहेंगे। आप कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हो उस समय आपको याद रहता है, लेकिन अगर आप 5 साल 10 साल बाद फिर उस रिकॉर्ड को उस डॉक्यूमेंट को देखोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो उनको याद रखने के लिए कि किन किन चीज़ों की मदद से ये चीज़ बना है, ये बहुत ज़रूरी है उसको एज ए बिब्लियोग्राफी रखना। और यहाँ पर सिटेशन और बिब्लियोग्राफी में बहुत कॉमन डिफरेंस, बहुत छोटी सी डिफरेंस है। सिटेशन आपका केवल ऑथर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको सिटेशन में हम लोग रखते हैं, और बिब्लियोग्राफी का मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन उस सोर्स के बारे में, उस रेफरेंस के बारे में, सब कुछ बिब्लियोग्राफी हो गया। और उसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपका सिटेशन हो गया। और मैनेज सोर्सेस में आप चाहो तो चेंज कर सकते हो उसके रेफरेंस का टाइप। यहाँ पर स्टाइल में आप सिटेशन कैसे दिखाना चाहते हैं, उसमें कौन कौन सा ऑप्शन रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ बिब्लियोग्राफी एंड व्हाट इज सिटेशन। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों में ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखो, ये डायलॉग बॉक्स अगर आप ध्यान से देखो, ये क्रिएट सोर्स के लिए है। तो सिटेशन और बिब्लियोग्राफी दोनों एक सोर्स का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स में आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, जैसे जर्नल आर्टिकल, बुक, बहुत सारी चीज़ें, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे लैंग्वेज है, यहाँ पे ऑथर का नाम, किस ऑथर का वो आर्टिकल, किस ऑथर के द्वारा लिखा हुआ बुक है, कॉर्पोरेट ऑथर अगर है तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो नाम आ जाएगा। टाइटल देना है कि वो आर्टिकल का टाइटल क्या था, किस सिटी में लिखा गया, किस ईयर में पब्लिश हुआ, वो पब्लिशर कौन था, वॉल्यूम इशू, या जो भी आप यहाँ से जैसे ही आइटम चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन का जो फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वैल्यू डालनी होगी। अब यहाँ पे देखो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, चूँकि आप ये जो मैंने डायलॉग बॉक्स ओपन किया है वो क्रिएट सोर्स सिटेशन से किया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बिब्लियोग्राफी का और भी बहुत सारा फील्ड आपको नज़र आएगा, वो सारे फील्ड्स रिकॉर्ड आप उसमें इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका इन्फॉर्मेशन जो भी सोर्स या रेफरेंस आपने यूज़ किया है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, वो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड हो जाएगा। इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत होगी तो आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करोगे, वहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा, उसको आप यूज कर सकते हो। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि सिटेशन और बिब्लियोग्राफी क्या है। मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली उसको करके भी बताता हूँ कि कैसे उसको यूज़ करना है और क्या उसका यूज़ है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, कब उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में। और इससे पहले कि हम लोग
प्रैक्टिकल क्लास में जाके इस टॉपिक के बारे में मैं आपको डेमो दूँ। अगर आप इस तरह का वीडियो या वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की वीडियो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिलेटेड वीडियो एजुकेशनल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें क्योंकि आप हमारे नए यूज़र हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो अपने आप मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, अगर वीडियो लाइक कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक करके शेयर करें। मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में इसके बताना चाहूँगा, इसके बारे में एक डेमो देके। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं डीसीए प्लेलिस्ट में एमएस वर्ड में रेफरेंस जो टैब है उसके अंदर सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन। मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है कि सिटेशन और बिब्लियोग्राफी एक फैसिलिटी है वर्ड की, जिसमें अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने में जिन जिन चीज़ों के जिन जिन सोर्सेस का आप यूज़ करते हैं, वो आइदर बुक हो या कोई आर्टिकल हो, उसके इन्फॉर्मेशन को आप रख सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या है, इन फ्यूचर जब आप किसी कभी इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे, अगर आप उस समय जानना चाहेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों का आपने मदद लिया है, तो आप उसको बिब्लियोग्राफी से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सिटेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड न्यू सोर्स का ऑप्शन है सिटेशन में, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप बुक करोगे तो बुक के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ चेंज हो रहा है। अगर आप बुक सेक्शन या जर्नल आर्टिकल करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फील्ड वैल्यू है वो चेंज हो रही है, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपल अभी एक बुक क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक ऑथर का नाम दे देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे ऑथर का नाम दे देता हूँ चंदन, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल में आप एबीसी टाइटल 2021 कर दीजिए, कुछ भी। अभी मैं डेमो बता रहा हूँ, तो ऐसे आप जब ओरिजिनली इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे प्रोफेशनली तो उस समय जो एग्जैक्ट चीज़ें होंगी वो आप डालेंगे। यहाँ मैं MUZ कर देता हूँ, यहाँ पे पब्लिशर में मैं XYZ डाल देता हूँ, वॉल्यूम में Volume 1 कर देता हूँ, ठीक है। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया। अगर आपको और भी जानना है तो यहाँ पे आप जैसे ही शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स आपको नजर आएंगे जो मैंने अभी नहीं डाला है, ईयर एक्सेस, मंथ एक्सेस, बहुत सारे हैं, तो आप इसको देख लेना। मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो उसको आप अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पे जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा, ये जो सोर्स है जिसका ये यहाँ पे उसी सोर्स का डिटेल डालना है जिसका आपने अपने डॉक्यूमेंट बनाने में, अपने रिपोर्ट बनाने में आपने यूज़ किया है। अब इसको क्लिक कर देंगे ओके, यहाँ पे देखो ये सिटेशन आ गया। अब यहाँ पे मैंने सोर्स से आप चाहो तो उसका चेंज भी कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है, आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल में आप जिस तरह का स्टाइल चाहो, सपोज इसको आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ से स्टाइल चेंज कर दो, आपका उस स्टाइल में आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करो तो, करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब दूसरा चीज़ है, ये तो हो गया सिटेशन, जो कि मैंने बताया आपको ये सारे जो भी सोर्स हमने डाले हैं वो सोर्स ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेकिन जब आप इंसर्ट सिटेशन करोगे तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑथर का नाम और पब्लिश ईयर। लेकिन मैं अगर पूरा बिब्लियोग्राफी डालना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करें बिब्लियोग्राफी में, यहाँ पे अलग अलग बिल्ट इन उसके डिज़ाइन हैं, या डायरेक्ट भी आप इंसर्ट बिब्लियोग्राफी कर सकते हो, या इसमें से कोई भी बिल्ट इन डिज़ाइन है उसको आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे देखो दो बिब्लियोग्राफी, एक मैंने अभी आपके सामने बनाया है चंदन जिसके ऑथर हैं, और एक मैंने पहले से बना रखा है जो कि कुंदन जिसके ऑथर हैं। तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जो भी आप उस बिब्लियोग्राफी में डाले रहे होगे। तो इंसर्ट भी कर सकते हो आप, यहाँ पे मैं आपको एक बार इंसर्ट करके भी बता देता हूँ। तो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी से भी आपका वो ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई टाइटल वगैरह नहीं आएगा। तो ये अंतर है, यहाँ पे आप जैसे अगर आप ये वाला यूज़ करते तो यहाँ पे आपको ऊपर में बिब्लियोग्राफी दिखता। तो आप क्या चाहते हो, किस तरह का डिज़ाइन, किस तरह का ऑप्शन चाहते हो, मैंने बता दिया। अब मैं लास्ट में ये क्लियर कर दूं आपको, सिटेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन उस सोर्स के मिलेंगे आपको, और बिब्लियोग्राफी में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप जिस समय जितने भी वैल्यू डाले होंगे वो सारा आपको यहाँ दिखाई देगा। और ये फ्यूचर के लिए ज़रूरत पड़ती है, अभी आपका इसका कोई प्रॉपर यूज़ नहीं है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली बनाते हैं किसी कंपनी पर्सनल के लिए
तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आई थिंक आपका जो बिब्लियोग्राफी का टॉपिक है या सिटेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करें हमारे इस वीडियो को। अगर कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो मुझे ज़रूर पूछें। इससे पहले कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आपको हो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या प्रोग्रामिंग में, तो आप ज़रूर पूछें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस।